अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत जल्दी अब रिलीज होने जा रही है सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है इस फिल्म को लेकर आई पे डीबी ऑलरेडी टॉप कर रही है साथ साथ में हम लोग बात करेंगे ओवरसीज एडवांस बुकिंग कहां कहां पर ओपन हो चुकी है सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में वीडियो जरूर देखो चैनल पर सब्सक्राइब पहले हम लोग बात करेंगे भाई इस फिल्म का जो हाइप है ना इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है वो पिछले जब से हमने ट्रेलर देखा है ट्रेलर के बाद से ही इसका हाइप स्काई हाई हो चुका है इस वक्त पे ऑल दो वी ऑल नो की जो फिल्म अभी रिलीज हुई है अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं उनमें पृथ्वीराज सुकुमारन कॉमन फैक्टर यहाँ पर आते हैं और उनकी फिल्म इस वक्त पर मतलब जादू की तरह सर चढ़कर बोल रही है लोगों के विच इज आडू जीवितम द बोट लाइफ लेकिन फिर उनकी मतलब दस दिनों के अंदर अंदर ही एक और बड़ी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ आने जा रही है जो ऑलरेडी पब्लिक के दिलो दिमाग पर छाई हुई है सो so, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सोशल मीडिया जो है ट्रेंड पे चल रहा है इन दोनों ही फिल्मों के और आ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग क्लैश की बात करते हैं ईद क्लैश की बात करते हैं उसमें जो एक बड़ा बेनिफिट मिल रहा है इस वक्त पे क्योंकि ट्रेलर रिलीज हुआ है इस फिल्म का तो अभी अभी फिलहाल बीएमसीएम का जो क्रेज है वो ज्यादा ऊपर चल रहा है मैदान से ऑल मैं आपको बता चुकी हूं कि मैदान का भी वीडियो कॉन्टेंट जल्दी से जल्दी रिलीज होने जा रहा है और हो सकता है उसका भी जो अभी बस थोड़ा सा कम हो चुका है वो थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन अभी आजकल में तो मेन जो जोश दिखाई दे रहा है ऑडियंस में वो दिखाई दे रहा है इसी फिल्म को लेकर के और वैसे भी मैं आपको बता हूँ कि अबाउट द the... एडवांस बुकिंग इन इंडिया इंडिया में एडवांस बुकिंग जो ओपन होने जा रही है वो दो या तीन तारीख से ओपन हो जाएगी फुल uh, फ्लेजेड तरीके से ओपन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो क्रेज है ना इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं मेकर्स पूरा पूरा बेनिफिट इस चीज का उठाने वाले हैं और करना भी चाहिए यार क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है इसका बजट बहुत बड़ा है और साथ साथ में एक्सपेक्टेशन लेवल्स बहुत ऊपर जा चुके हैं इस फिल्म को लेकर के तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया ओपनिंग इज ऑन द कार्ड बहुत अच्छा क्रेज इज ऑलरेडी देर बात करें सोशल मीडिया की तो आज शाम को पांच बजे पर एक स्पेस होने जा रही है स्पेशली डेडिकेटेड टू दिस मूवी जिसका मतलब हर जगह पर शोर है उसमें बड़े बड़े क्रिटिक्स भी आने वाले हैं मैं भी कोशिश करने वाली हूँ कई सारे इनसाइट्स हमको मिलने वाले हैं हमको यह पता चलने वाला है कि भाई इसका डे वन ओपनिंग वगैरह हम लोग कितनी प्रिडिक्ड कर सकते हैं और नंबर्स कहां तक जा सकते हैं मेनली नंबर्स के लिए मैं जरूर इसको कोशिश करूंगी बट येस द मेन पॉइंट इज फिलहाल बी इज ऑन फायर ओके बात करेंगे आई की तो आई पे ऑलरेडी इज इज ऑन ऑन ट्रेंडिंग नंबर थर्टी एट परसेंट था जो परसेंटेज थी अब वो बढ़ के फोर्टी फाइव परसेंट हो गई है ये जो points, points भी है आई एम पे बहुत मैटर करते हैं क्योंकि ये है एक्चुअल ऑडियंस का मूड इस वक्त पे फिल्म को लेकर कैसा चल रहा है टॉप पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ फोर्टी फाइव पॉइंट वन परसेंट उसके बाद सेकंड नंबर पर फैमिली स्टार उसके बाद कल की उसके बाद जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी उसके बाद हीरा मंडी आवेशम और सातवें नंबर पे मैदान है भाई इस टाइम पे पहले इससे पहले आठवें नंबर पे थी अब सातवें नंबर पे आई है और मुझे लगता है कि जब तक इसका वीडियो कंटेंट नहीं आएगा तब तक ये अपनी प्लेस से ज्यादा मूव करेगी नहीं अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि वीडियो कंटेंट ड्रॉप हो जबकि अजय देवगन भी कुछ ना कुछ प्रमोशन करते रहते हैं सोशल मीडिया पे लेकिन दैट्स नॉट पीपल रियली वांट टू सी मोर ऑफ वट मैदान इज गोइंग टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस ये भी एक ट्रू लाइफ पर बेस्ड फिल्म होने वाली है मैदान की अगर मैं बात करी ट्रू लाइफ पर बेस्ड फिल्म है जो कि फुटबॉल कोच जो थे उस समय के उनकी लाइफ के ऊपर आधारित है तो मुझे लगता है वो भी स्पोर्ट्स ड्रामा बहुत कंपेलिंग होते हैं कोई कोई स्पोर्ट्स ड्रामा आज तक याद है लोगों को जिनमें बड़े नामों की अगर मैं बात करूं तो भाग मिलकर भाग हो गई या मेरी कॉम हो गई ऐसे स्पोर्ट्स ड्रामा सुल्तान अगेन सुल्तान फिक्शन बट स्टिल आज तक लोगों को याद है सो आई थिंक एक अच्छा स्पोर्ट्स ड्रामा मिसिंग है बहुत समय से दंगल अगेन अ स्पोर्ट्स ड्रामा सो आई वुड वॉन्ट एंड आई वुड थिंक अबाउट दिस थिंग भाई मैदान जो है ना इसका एक अलग जॉनर तो है लेकिन इसका फिर भी कंपेलिंग पावर बहुत जबरदस्त है और क्लैश में अगर ये आ रही है तो ऑलरेडी काफी बड़ी टक्कर दे सकती है ये बी को बट जैसे बता रही हूँ सो फार बीएमसीएम इज लीडिंग द वे बात करें कहाँ पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है तो ओवरसीज uh, में कई कंट्रीज में ओपन हो चुकी है यूएसए में लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है जो कि एएमसी चेन्स ने ओपन कर दी है और बहुत बड़ी चेन है भाई ए तो मतलब आप मान के चलो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज ऑफ ऑफ यूएस सो यूएस में हो चुकी है यूके में कहीं कहीं पर सिलेक्टेड प्लेसेस में ओपन हो चुकी है यूएई में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूएई में ऑलरेडी हाउसफुल्स चल रहे हैं कहीं कहीं पर अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज है जहां पर हम देख सकते हैं एडवांस बुकिंग ओवरसीज में मुझे मेनली लगता है कि गल्फ देन यूके आयरलैंड देन यूएस कैनेडा एंड जर्मनी ये जो मेन कंट्रीज हैं यहाँ से ओवरसीज की जो बुकिंग्स हैं और जो कलेक्शन हैं वो एक बड़ा चंक उठाती हैं। सो so, अगर हम बात करते हैं डे वन कलेक्शन प्रिडिक्शन ऑफ बीएमसीएम सो फार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 60 से 70 करोड़ का इंडिया नेट तो खैर अभी बोलना मुश्किल होगा इंडिया नेट तो नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि अभी भी अगर कुछ भी कह लो साठ से सत्तर करोड़ इज टू मच फॉर इंडिया नेट कलेक्शन बड़ी बड़ी फिल्में नहीं उठा पाती लेकिन हाँ मुझे लगता है फोर्टी फाइव के आसपास इंडिया नेट कलेक्शन ये डे वन पे उठा सकती है इतना दम कम रखती है क्योंकि इसके पास जब शो काउंट्स की बारी आएगी कम से कम तेरह से चौदह हजार शोज होंगे टिकट प्राइसिंग की बारी आएगी इसकी टिकट प्राइसिंग बहुत महंगी कहीं कहीं पर होने वाली है और इट कम्स टू आई मैक्स एंड थ्री डी आई अगर बात की जाए फोर की तो फोर भी एड हो जाता है बाद में अभी कोई तो, तो भैया फिर तो कलेक्शन और आता है थ्री डी वर्जन से थ्री डी मेन थ्री डी नॉर्मल थ्री वर्जन नॉट इवन आई मैक्स से आता है सो so, अगर हम थ्री की टिकट प्राइसिंग देखें इस फिल्म की कहीं ना कहीं मिनिमम टू मिनिमम वेर मिनिमम नेशनल चेन हो सकती है साढ़े तीन सौ रुपए पर पर्सन विच विल बी अगर हम इसको ये मान के चले कि कोई भी बंदा अकेला मूवी देखने नहीं जाता है कम से कम दो लोग तो जाते ही जाते हैं तो अगर हम वो मान के चले तो कम से कम सात से आठ सौ रुपए पर व्यूइंग दो लोगों का हो जाएगा एंड आई थिंक कलेक्शन वहां से बहुत बड़ा जंप ले सकती है सो दैट इज वन ऑफ द मेन मेन थिंग्स जो मुझे लग रही है और जहां तक रही बात भाई ओटीटी राइट्स की और बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि और अर्निंग एवेन्यूज की तो भाई स्काई इज द लिमिट आज के टाइम में तो फिल्में ना ना करते करते भी अपने ओटीटी राइट्स के थ्रू ही बहुत पैसा कमा लेती है तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो वैसे ही बहुत बड़ी फिल्म होने जा रही है मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये कलेक्शन के मामले में किसी से पीछे नहीं रहने वाली है। आई थिंक बहुत आगे और हो उठाए. So, uh, But, uh, आपको क्या लगता है इस फिल्म का डेवन कलेक्शन का प्रोडिक्शन आपको क्या हो सकता है कुछ सोच के बताओ आपको क्या लगता है मैं अभी मैदान पे कोई कॉमेंट नहीं करूंगी मैं ट्रेलर या वीडियो कॉन्टेंट का इंतजार करूंगा उससे पता चलेगा एक्चुअली कि हम डेवन कितना एक्सपेक्ट कर, कर सकते हैं मैदान का सो बट इज योर टेक ऑन दिस टॉपिक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बाकी फिर लाइक दिस वीडियो गिव इट एंड डोट लू इट टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड सोलई